हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 आवर्स डिफेंस। हमने एनडीए और एसएसबी की कंप्लीट प्रोसेस पर अलग अलग वीडियोस बनाई थी। आज हम आपको एसएसबी के बाद होने वाले मेडिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। 5 डेज की एसएसबी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए रिकमेंड होते हैं सिर्फ उन्हें ही एसएसबी सेंटर पर रुकना होता है। जैसे ही आपकी एसएसबी कॉन्फ्रेंस खत्म होती है उसके अगले दिन ही एसएसबी मेडिकल के फर्स्ट डे की शुरुआत हो जाती है और ये पूरी प्रक्रिया 4 से 5 दिन की होती है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, आपको कहाँ रिपोर्ट करना होगा, स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगर आप मेडिकल के लिए रिकमेंड होते हैं तो आपको सेंटर से ही वहीं से मिलिट्री हॉस्पिटल बस से ले जाया जाता है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग 7:30 AM होता है। और इसके साथ ही आपका फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले साफ सफाई का ख्याल रखना जरूरी है। जाने से पहले बात ले लें, कान की सफाई कर लें, कान में वैक्स वगैरह ना हो, अपने दांत और नाक को साफ कर लें, अपने अंडर आर्म के हेयर शेव कर लें। मिलिट्री हॉस्पिटल रिपोर्टिंग करते ही सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपको कुछ फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसमें करीब 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। फिर आपको एक नया चेस्ट नंबर दिया जाता है, उसके बाद आपका ब्लड और यूरिन सैंपल लिया जाता है और ये आपको पैथोलॉजी लैब में सबमिट करना होता है, जिसका रिजल्ट आपको उस दिन नहीं बताया जाता, आपने जो फॉर्म भरा था उसमें लिख देते हैं। उसके बाद उसी दिन या अगले दिन आपका कौन सा टेस्ट होगा ये नहीं पता होता, जनरली आई टेस्ट होता है जिसमें आपकी आई की पावर को चेक किया जाता है। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। इसके बाद आपको एक आई ड्रॉप दिया जाता है कुछ और टेस्ट करने के लिए, जैसे कि आपकी आंखों में कैटरेक्ट और प्यूपिल स्पॉट तो नहीं। आई ड्रॉप के कारण 15 से 20 मिनट आपको धुंधला दिखाई देता है। अगर हम विजन की बात करें तो एनडीए में आर्मी के लिए आपका विजन विदाउट ग्लासेस दोनों ही आंखों के लिए 6x36 हो सकता है और विद ग्लासेस दोनों ही आंखों के लिए 6x6 होना चाहिए। अगर पावर की बात करें तो -2.5 से +2.5 हो सकता है अगर आप स्फेरिकल लेंस लगा रहे हैं। अगर लेंस आपका सिलेंड्रिकल है तो -2.0 से +2.0 हो सकता है। कलर विजन या कलर परसेप्शन 2 हो सकता है। इंडियन नेवी के लिए विजन आपका एक आंख के लिए 6x6 और दूसरी आंख के लिए 6x9 हो सकता है विदाउट ग्लासेस। विद ग्लासेस आपका विजन 6x6 होना चाहिए। पावर आपका -0.75 से +1.5 हो सकता है सिलेंड्रिकल लेंस से। बायोक्यूलर विजन का क्राइटेरिया भी नेवी में है, ये आपका 3 होना चाहिए। कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए। बात करें अगर एयरफोर्स की तो पायलट का विजन विदाउट ग्लासेस एक आंख का 6x6 और दूसरी आंख का 6x9 हो सकता है। विजन विद ग्लासेस दोनों आंख का 6x6 होना चाहिए, लेकिन फ्लाइंग ब्रांच में पायलट्स को चश्मा अलाउ नहीं है मायोपिया के लिए, वो सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी पास की नज़र अगर कमज़ोर है तो आप चश्मा पहन सकते हैं, दूर की नज़र के लिए चश्मा अलाउ नहीं है। बात करें अगर पावर की तो -0.5 से +2.0 स्फेरिकल लेंस के साथ और सिलेंड्रिकल लेंस के साथ -0.75 से +0.75 हो सकता है। कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए। अगर दूसरे ऑफिसर्स की बात की जाए फ्लाइंग ब्रांच की, जो कि पायलट नहीं होंगे, उनका विजन एक आंख का 6x24 दूसरी आंख का 6x36 हो सकता है। चश्मे के साथ उनका विजन एक आंख का 6x6 और दूसरी आंख का 6x9 हो सकता है। पावर की अगर बात करें तो -2.0 से +3.5 हो सकता है स्फेरिकल लेंस के साथ, -0.75 से +0.75 हो सकता है सिलेंड्रिकल लेंस के साथ। कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए। बात की जाए एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी की तो विजन विदाउट ग्लासेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विद ग्लासेस दोनों आंख का 6x9 होना चाहिए। पावर की बात की जाए तो -3.5 से +3.5 स्फेरिकल लेंस के साथ एंड विद सिलेंड्रिकल लेंस -2.5 से +2.5 हो सकता है, कलर परसेप्शन 2 हो सकता है। तो ये थी आई चेकअप तक की जानकारी। उसके बाद एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होता है। एक्सरे सिर्फ चेस्ट का होता है। उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें किडनी, लीवर और किडनी में स्टोन को चेक किया जाता है। इस तरह आपका डे 1 कम्प्लीट हो जाता है। अगर आपका कोई टेस्ट बचा रह जाता है तो उसे डे 2 में ले लेते हैं। सेकेंड डे दूसरे दिन आपका जनरली ENT टेस्ट होता है, मीन्स ईयर नोज एंड थ्रॉट टेस्ट। ऑटोस्कोप से आपके दोनों ईयर चेक किए जाते हैं। और भी कुछ टेस्ट होते हैं ईयर के, अगर सब कुछ ठीक है तो आपको नोज टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और अगर आपके ईयर में कोई दिक्कत है तो आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है, और आपके ईयर में सिर्फ वैक्स है तो आपको रिजेक्शन नहीं मिलता, ये आसानी से साफ हो जाता है। पर अपने कान प्रॉपरली क्लियर करके टेस्ट के लिए जाएं। इसके बाद आता है नोज टेस्ट, जिसमें आपके नाक के अंदर एक कैमरा नुमा मशीन से चेक किया जाता है कि आपकी हड्डी या स्किन बढ़ी हुई तो नहीं है। नोज में अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है डेविएट
डायलेटेड नेजल स्पेक्ट्रम मींस नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, इसके लिए आपको TR मिलता है और ये प्रॉब्लम काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाती है। और इसी तरह आपके थ्रॉट भी चेक कर लिए जाते हैं। अगर आपकी ENT में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो आपको ऑडियोमेट्री के लिए ले जाया जाता है। ऑडियोमेट्री दो प्रकार की होती है, एक एयरफोर्स के लिए, दूसरी आर्मी के लिए। एयरफोर्स ऑडियोमेट्री में आपको एक बिग हेडफोन पर साउंड सुनाया जाता है जिसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जबकि आर्मी ऑडियोमेट्री में आपके एक कान पर कार्डबोर्ड रखा जाता है और पेन से उस पर रब किया जाता है और पीछे से एक डॉक्टर कुछ वर्ड्स या नंबर्स बोलते हैं जिसे आपको सुनकर दोहराना होता है। इसे मेडिकल के फील्ड में विस्परिंग कहते हैं। और इस तरह आपका ENT टेस्ट समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है Day 3, इसमें होता है डेंटल टेस्ट। डेंटल टेस्ट में आपके डेंटल पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। आपके सिलेक्शन के लिए मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। डेंटल पॉइंट्स में यह देखा जाता है कहीं आपको पायरिया तो नहीं है, आपके टीथ क्रॉस बाइट तो नहीं है, कहीं आपके दांत खराब तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जनरली डेंटल टेस्ट इजी होता है और मोस्टली इसमें एस्पिरेंट्स को रिजेक्शन नहीं मिलता। इसके बाद जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं मेडिसिन। इसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट और चेस्ट एक्सपेंशन को चेक किया जाता है। आप अगर ओवरवेट है या अंडरवेट है तो आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है। बात करें हाइट की तो आर्मी और नेवी के लिए 157 सेंटीमीटर फॉर बॉयज, एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए 157.5 सेंटीमीटर फॉर बॉयज एंड फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच 162.5 सेंटीमीटर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। फ्लाइंग ब्रांच में एक चीज और है, आपकी सिटिंग हाइट मिनिमम 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर, और आपके पैरों की लंबाई मिनिमम 99 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपके थाई की लंबाई 64 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकती है। अगर बात करें वेट की तो आपका वेट हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हाइट वेट फॉर आर्मी, हाइट वेट फॉर नेवी एंड हाइट वेट फॉर एयरफोर्स। गर्ल्स के लिए अभी तक वही क्राइटेरिया अप्रॉक्स सेम है जो बॉयज के लिए है। बात करें अगर हाइट की तो ये थोड़ा डिफरेंट है। आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए आर्म फोर्सेस में जाने के लिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट और गढ़वाल या कुमाऊं रीजन से आती हैं तो 148 सेंटीमीटर। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपकी हाइट सिमिलर रखी गई है जो बॉयज़ के लिए है, 162.5 सेंटीमीटर। वेट आपका हाइट के हिसाब से आपके BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये हाइट वेट चार्ट फॉर गर्ल्स आपकी स्क्रीन पर है, आप पॉज करके देख सकती हैं। हाइट वेट फॉर आर्मी, हाइट वेट फॉर एयरफोर्स, ये सारी चीज़ें मेज़र करने के बाद आपकी रिपोर्ट डॉक्टर को दे दी जाती है। फिर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चेक करते हैं और आपकी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे रिपोर्ट को भी चेक करते हैं। इस तरह से आपका ये टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है Day 4। Day 4 में आपका सर्जिकल टेस्ट होता है। इसमें आपको सर्जिकल OPD में ले जाया जाता है और कुछ कैंडिडेट्स का ग्रुप बना दिया जाता है। इस टेस्ट में आपको सिर्फ अंडरवियर पहनना अलाउड होता है क्योंकि इसमें आपके नॉकनीज देखे जाते हैं, शोल्डर और हैंड के बीच का एंगल देखा जाता है, आपके स्वेटिंग हैंड चेक किए जाते हैं, पिजन चेस्ट चेक किया जाता है, फिर आपके फ्लैट फुट चेक करते हैं, देन आपके इंडेक्स फिंगर को चेक किया जाता है ट्रिगरिंग के लिए, पैर की नसों को भी चेक किया जाता है। इसके बाद वो स्किन को भी अच्छी तरह से देखते हैं। आउटर सर्जिकल हो जाने के बाद इनर सर्जिकल टेस्ट होता है, ये देखने के लिए आपके इंटरनल पार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। आपको हार्निया नहीं होना चाहिए, अगर हार्निया पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप पहले ही हार्निया का ऑपरेशन करवा चुके हैं तो यू आर एब्सोल्युटली फिट, लेकिन आपके हार्निया का ऑपरेशन मेडिकल से कम एक साल पहले होना चाहिए। ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट डे जो होता है Day 5, वो कॉन्फ्रेंस डे होता है। इसमें आपको बताते हैं कि आपको कितने TR मिले हैं और आगे का प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना होगा। आपको MRO का फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपको भरना पड़ता है कि आपको किस चीज के लिए कितने TR मिले हैं। इसी फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप आगे कहां जाएंगे, AMB यानी अपील मेडिकल बोर्ड के लिए। TR को जहां ठीक कराया जाता है उसे ही AMB कहते हैं। अगर आप इसमें भी अनफिट होते हैं तो आप रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी अनफिट होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका इस तरह से 5 दिनों का मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल डियर एस्पिरेंट आपके अपकमिंग मेडिकल के लिए। अगर आप ज़रा सा भी फिजिकली अनफिट हैं, चाहे आपके दांत में प्रॉब्लम हो, कोई डेंटल प्रॉब्लम या नोज़ की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे पहले ही क्योर कर लें तो आप डेफिनेटली मेडिकल को क्लियर कर पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।